नमस्कार साथियों, हिम्मत रहे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले राजस्थान लैब टेक्नीशियन भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके ऑनलाइन फॉरम भी साथियों आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो वीडियो में आज के वीडियो में यही आपको सभी जानकारी बताएंगे क्या इसकी दोस्तों आपके फीस रखी गई है और साथियों आपके लास्ट डेट कब रखी गई, फॉरम की सारी जानकारी हम आपको बताएंगे और योग्यता क्या रखी गई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान से संबंधित प्रत्येक प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलती है। चलिए साथी, वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़े तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है, जहाँ से जाकर साथियों आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जालाना सांस्थानिक क्षेत्र जयपुर लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 संक्षिप्त विज्ञप्ति। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीपू जयपुर द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान के लिए लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा अधिनियम 1965 यथा संशोधित में उल्लिखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह पद स्थायी हैं जिनका संख्यावार विवरण निम्नानुसार नीचे दिया गया है। तो साथियों, ये आपकी स्थायी भर्ती है। बात करते हैं लैब टेक्नीशियन के कुल इसमें कितने पद रहेंगे। तो लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं तो इसमें 2007 टोटल पद साथियों रहेंगे। उक्त विज्ञापित पदों में कमी वृद्धि या विज्ञप्ति को निरस्त किए जाने हेतु सीपी विभाग स्वतंत्र रहेगा। विज्ञप्ति एवं विस्तृत विज्ञप्ति एवं ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे विभाग की वेबसाइट, ये वेबसाइट दी हुई है सीपी की साथियों, ये दोनों वेबसाइट दी हुई हैं। इन पर आप दिनांक 31/5 तो 31 मई से लेकर साथियों आप 30 जून 2023 तक आप इसका ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञप्ति का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उसमें उल्लेखित दिशा निर्देशों के अनुरूप स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवेदन करें। इस संबंध में पात्रता के संबंध विभाग का निर्णय अंतिम होगा। भर्ती के संबंध में समय समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं के दिशा निर्देशों के लिए वेबसाइट, ये वेबसाइट दी है दोनों, इन पर साथियों आपके जो भी नोटिफिकेशन होता है वो भी ऑफिशियल ही नोटिफिकेशन साथियों आपका होगा। तो ये है साथियों आज की जानकारी। अब बात करते हैं इसकी योग्यता की। तो योग्यता आपके 12th पास इसमें रखी गई है। जी हाँ साथियों, योग्यता आपकी 12th पास रखी गई है, साइंस से आपकी 12th पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं फीस की। तो साथियों आपके जनरल OBC के लिए आपकी फ़ीस रखी गई है साथियों आपके 500 रुपये और आपके ST SC के लिए फ़ीस रखी गई है साथियों 250 रुपये। तो ये आपकी फ़ीस की बात हो गई। ऑनलाइन फॉर्म आपके 31 मई से चालू हैं, जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता दें किस प्रकार से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे भर सकते हो। तो ये साथियों आज की जानकारी, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।